Yes, silence clear. Eyes closed. And I wish that everyone among you will excel and focus on the study because we have lost one completely. And there were so many issues as for the network, the issue was concerned. There were people who had the issue. Now since, thank God, you all are once again in the classrooms and this is the biggest opportunity for you. Because you all have to destroy yourself. Because since you have lost 1 year, and this is the 12th, 11th class going on, the next is 12th. So you have to accelerate in that way so that the last 1 year. Yes, sir. Our doubts are clear. Our doubts are clear. And स्कूल आके ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ 10 महीने के बाद आए हैं, थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन वो जो गवर्नमेंट ने 120 दिए थे हम सारे फॉलो कर रहे हैं स्कूल में आकर, और मतलब टीचर हमारे फुल सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे फिर हम आ रहे हैं इतने टाइम के बाद, और मतलब टीचर आज पूरा ध्यान रख रहे हैं कि मास्क वगैरह सब बच्चे डांस कर रहे हैं, सबके पास तो हर एक चीज़ फॉलो करते हैं।
दस महीने के बाद मतलब भी लगाया, तो किस तरह आपको लग रहा है स्कूल? अच्छा लग रहा है स्कूल, ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी बहुत अच्छी होती थी, हमें अच्छा पढ़ाया जाता था ऑनलाइन क्लास में, कभी कभी नेटवर्क इशू आ जाता था, लेकिन हम हमारे स्कूल लग गए हैं हमारे, तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा हो कि हम और ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ सकें, हमारी पढ़ाई ऐसे वेस्ट हुई होगी। और हमारे स्कूल वालों ने बहुत अच्छे से हमें बताया कि हमें सैनिटाइजर्स लेके आना है, अपना अपना मास्क वेयर करने हैं, हमारे स्कूल वालों ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया। आज 9 से लेकर 12 तक बच्चों को स्कूल में आने की इजाज़त दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, इसका पूरी टीचर कम्युनिटी बड़ा वेलकम कर रही है, क्योंकि टीचर के लिए जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होता है बच्चे को एजुकेशन देना, और अगर एजुकेशन बच्चे को आमने सामने बैठ कर दी जाए वो अच्छी बात है। ये 2G की जो एजुकेशन थी ये 9 से 12 क्लास के लिए कोई बड़ी अच्छी नहीं रही हमारी तरफ से, उसका मेन कारण था 2G में बच्चे को वो चीज़ नहीं मिल रही थी जो मिलनी चाहिए, ये 4G होता तो शायद बच्चे को अच्छी बैठी। ये 9 से लेकर 12 तक जो क्लासेज हैं ये बोर्ड की क्लासेज होती हैं, इसमें बच्चा अपनी ज़िंदगी का आगे फ्यूचर का एक प्लान बनाता है। जब बच्चे को घर में बैठाया गया, उसके साथ काउंसलिंग नहीं की गई, उसको पता ही नहीं चला मुझे ज़िंदगी में आगे क्या करना है क्या नहीं करना, वो एक बड़ा इफेक्ट रहा है इस दौरान। पर क्योंकि ये एक नेसेसिटी थी, एक माहौल ऐसा था जिसके कारण हमें ये ऑनलाइन एजुकेशन लेनी पड़ी, तो आज हम बच्चों का जो रिस्पांस है इस समय तक जो हमारी 9 बजे क्लासेस लगती हैं, पर आप इस समय भी देख रहे हो कि बच्चों का रिस्पांस बहुत ही अच्छा है। इवन डाउट क्लियरेंस के लिए भी हमारे पास कोई 50-60% बच्चे डाउट क्लियरेंस और आगे प्रैक्टिकल करने के लिए प्रेजेंट होते हैं। लग रहा है आप काफ़ी दिनों बाद स्कूल में आए हैं आप? एक्चुअली बहुत ही टाइम के बाद हम स्कूल आ रहे हैं, आफ्टर लॉन्ग पीरियड 10 मंथ्स ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो हम लोग जो है ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा सफ़र करते थे एक्चुअली, बिकॉज हमारा जो है कंसेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर नहीं होती थी, 2G नेटवर्क था यहाँ पर, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती थी। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है कि हमारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं, टीचर्स हमें स्पेशली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ाते हैं, और वहाँ पर भी ऑनलाइन में ऐसा ही है, बट उनकी उनके ऊपर नहीं है कुछ भी, क्योंकि सारा नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो होती थी ओवियसली। ऐसे हमारी टीचर्स हमारे कंसेप्ट क्लियर करते हैं यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस के। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने स्कूल के पहले दिन को लेकर, क्योंकि बहुत लॉन्ग पीरियड के टाइम हमारा स्कूल लगा हुआ है। Thank you.